أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. चलिए, आज मैंने आपके ग्रुप में भी अनाउंसमेंट की थी कि हम मद को फर्दर पढ़ेंगे. ये मद, इस मद की दो टाइप्स हैं. एक हम इंग्लिश में उसको कहेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और अगर हम अरबिक उसका नाम होगा तो मद असली हम पहले कर चुके हैं, दैट वॉज द प्राइमरी मद. और जो सेकेंडरी मद है उसका अरबिक नेम है मद फुरूई. ठीक है, तो आप बस प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो याद कर लीजिए, और इंशाल्लाह. जी नौरीन, मैंने देख लिया, अल्लाह ताला शिफा दे. तो प्राइमरी मद हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कौन रिपीट करेगा? वॉट इज द प्राइमरी मद? मद्दे असली क्या था? मदे असली को एक लफ्ज के बराबर लंबा पढ़ते थे, और मदा का मतलब स्ट्रेचिंग था, और उसके हमने तीन पेयर्स पढ़े थे, जबर अलिफ जे जे और पेश वाओ के साथ. वेरी गुड हलीमा, बारकल्लाहु फीक. बिल्कुल, इन्होंने सही बताया. इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. जब हमें ये रिकग्निशन हो जाएगी कि मद्दे असली क्या है, तो फिर इसके बाद वाली जो है वो इसी के ऊपर जो है वो इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मींस इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप. तो जबर के बाद अलिफ, ये एक था हमारा. फिर उसके बाद जो है वो नजीर के बाद जो है वो या, और पेश के बाद जो है वो पेश के बाद जो है वो वाओ. तो इस कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता था कि ये मद्दे असली है. अब जब हम आगे वाले मत पढ़ेंगे जो उन्होंने रिकग्नाइज किए हैं, और बुक में इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहां पर मद्दे असली होगा. अब मद्दे असली के बाद हमें कुछ चीजों को देखना होगा. किन चीजों को देखना होगा? सो आफ्टर का मद्दे असली हमें तीन चीजें नजर आएंगी. इसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको मद में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह. तो प्राइमरी मद के बाद फिर क्या तीन चीजें नजर आएंगी? सबसे पहले क्या होगा कि उसके बाद जो हर्फ है, द लेटर आफ्टर द मद, इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर सुभानअल्लाह, इसके ऊपर होगा सुकून. लेटर पे होगा, लेटर हम ले लेते हैं लेटर विथ सुकून. ठीक है, ये एक हो गया. या फिर जो है उसके बाद क्या होगा? या फिर हमारे पास होगा एक द लेटर विल हैव अ तशदीद. ये शद्दा होगा उस पर या तशदीद होगा, ये दूसरी बात हो गई. और तीसरी बात ये हो गई कि द लेटर विल बी हमजा इटसेल्फ. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं. दोबारा बता रही हूँ, इस कॉम्बिनेशन को अगर समझ में आ जाएगी ये बात, तो फिर पूरे मद की जो बहस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंशाल्लाह इजियर हो जाएगी. इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये फिट हो जाए एक स्क्रीन पर बेटर. तो सबसे पहले वो ही होगा सेकेंडरी मद का, के फतहा के बाद अलिफ, कसरा के बाद या, और दम्मा के बाद वाओ, या जबर के बाद अलिफ, जेर के बाद या, और पेश के बाद वाओ. ये तो है ही.
अब इसके बाद हमें कुछ चीजों को चेक करना पड़ेगा। कितनी चीजों को चेक करना पड़ेगा? 3 चीजों को चेक करना पड़ेगा कि उसके बाद यानी मद्दे असली के बाद वाला जो है हर्फ उसके ऊपर क्या हो सकता है, या तो सुकून हो सकता है, या उसके बाद क्या हो सकता है, शद्दा या तशदीद हो सकता है, ठीक है। टू और थर्ड चीज क्या है कि वो जो लेटर होगा मत के बाद वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा, वो हमजा होगा, ठीक है। ये 3 चीजें अगर हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आगे की जो बहस है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब हम इधर से देख लेते हैं कि मत की क्या बहस है और बुक में इन्होंने हमें किस तरह से समझाई। हाँ, तो मद्दे असली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इन्होंने नंबर 1 किया है मद्दे असली को, तो उसके बाद जो है नंबर 2 की इन्होंने यहाँ हेडिंग नहीं डाली है। आप लोग अपने पास अगर थोड़ा सा नोट कर लें तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल दें, यहाँ पे एक हेडिंग होनी चाहिए थी मद्दे फुरोई या सेकेंडरी मद की, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं, नंबर 2 में क्या है, इसका नाम इन्होंने दिया है मद्दे लाजिम, कि इस मद को लाजिमी पढ़ना है। अब क्या कंडीशन है, हुरूफ मद्दा के बाद इसी कलमे में क्या आएगा, तशदीद आएगा या सुकून आएगा, ठीक है। ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि मद्दे असली होगा और उसके बाद राइट आफ्टर इट हम क्या देखेंगे कि जो लेटर आ रहा है, जो हर्फ आ रहा है, उस हर्फ के ऊपर क्या होगा, या तो तशदीद होगा या फिर सुकून होगा, और ये कौन सा सुकून है, सुकून है असली। तो इस सूरत में क्या होगा कि इसको हम कितना लंबा पढ़ेंगे, इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये है आल आना, तो अब ये मद था है ना, खड़ा जबर, हमने कहा था कि खड़ा जबर भी मद की अनदर वे ऑफ राइटिंग है। उसके बाद लेटर क्या है, लेटर है लाम, और लाम के ऊपर है क्या, सुकून। तो इस वजह से ये कौन सा मद बन गया, ये मद्दे लाजिम बन गया। अब इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर पढ़ना है, तो ये मैं पढ़ के बताती हूँ कि पहले 3 मद, फिर 4 मद और फिर 5 मद पढ़ के बताती हूँ। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि अपनी मुट्ठी बना के एक एक उंगली को खोलना है, तो 3 के बराबर मैं पढ़ूंगी, आप लोग म्यूट रखिएगा एंड यू ऑल्सो ट्राई टू रीड इट। तो इसको पढ़ेंगे 3 मद से आल आना, 4 मत से पढ़ेंगे आल आना, और 5 उससे पढ़ेंगे, 5 काउंट्स पढ़ेंगे या 5 मत अलिफ के बराबर खींचेंगे तो होगा आल आना, ठीक है। सारी एग्जाम्पल समझा देती हूँ, फिर कोई कंफ्यूजन होगी तो क्वेश्चंस ले लूंगी। अब इसी तरह से इसको, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद वाला लेटर अलिफ लाम था, अलिफ लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे, लाइक ये साइलेंट है। तो यहाँ पर जाल, इसको हमजा को जब पढ़ते हैं तो किससे मिला रहे हैं, जाल से मिला रहे हैं, और इस जाल के ऊपर क्या है, तशदीद है। तो इसी तरह से इसको 3 to 5 काउंट्स पढ़ेंगे, तो 3 काउंट्स पढ़ते हैं आ रका रोइनी, 4 काउंट्स आ रका रईनी, और 5 काउंट्स आ रका रईनी। 3 to 5 काउंट समझ में आया किस तरह स्ट्रेच करना है, जल्दी से चैट बॉक्स में यस और या नो बोल दीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अनम्यूट करके पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। कंडीशंस क्या थी, मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ, सेम कंडीशन थी कि मद्दे असली के बाद क्या देखेंगे कि या तो जो लेटर होगा उसके ऊपर सुकून होगा, या जो लेटर होगा उसके ऊपर तशदीद होगी, तो उस मद का नाम हो जाएगा मद्दे लाजिम, यानी इसको पढ़ना जरूरी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। साइमा, ये तो आपकी गलती है ना, अगर आप नहीं आ रही तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम, आप एंड में रुक जाइएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। इतनी देर हो गई, 6:13 हो रहे हैं, अगर कोई देर से आता है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो एंड ऑफ द सेशन रुक जाए और मुझसे अलग से पूछ ले, बट बीच में मैं नहीं
आपकी वजह से दूसरों का नुकसान कर सकती। ओके, अब यहाँ पर है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं अब बाकी तमाम इसको जो है वो 4 काउंट्स पढ़ूंगी, ठीक है? और फिर आप में से कोई प्रैक्टिस कर लेगा और फिर हम देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि मत के बाद क्या आ रहा है। मत के बाद आ रहा है रॉ, और रॉ के ऊपर जो है वो तशदीद है, तो इसी तरह से ये मद लाजिम हो गया। इसको पढ़ेंगे मुदोरिन। अब यहाँ पर क्या है, मद है और मद के बाद दोबारा तशदीद है, इसको पढ़ेंगे अतुहाजूनी। अच्छा, यहाँ पर दो मद्दे लाजिम थे, एक तो हा के बाद जीम के ऊपर तशदीद है, और फिर ये जो वाव है जीम के बाद मद आ रहा है, इसके बाद नून है और नून के ऊपर भी तशदीद है, तो इन हा को स्ट्रेच करना है 3 to 5 काउंट्स, और जीम को भी स्ट्रेच करना है 3 to 5 काउंट्स। ये तो दो मत है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट वर्ड। फिर से पढ़ देती हूँ, अतुहा जू उन्नी। ओके, अब यहाँ पर जो है वो दौल लन पर है, तो मद के बाद क्या है, लाम, और लाम के ऊपर तशदीद है, तो मद लाजिम है, और इसको पढ़ेंगे वजदा का दौलं फहदा। ठीक है, इसी तरह से इस एग्जाम्पल में है हा पर मद है और उसके बाद जो है वो दाल के ऊपर तशदीद है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हा दल्लोहा। और यहाँ पर क्या है, जीम है, उसके बाद जीम पर मद है और नून के ऊपर तशदीद है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वला जान नून। नून के ऊपर गुन्ना भी करेंगे, आप में से अक्सर की गलती है कि आप लोग नून पर गुन्ना नहीं कर रहे, तो अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, और नहीं है तो फिर आप में से कोई एक पढ़ दे, सारे नहीं पढ़े, फर्स्ट 4 पढ़े, फिर नेक्स्ट 4 कोई और करेगा करेगा। समझ आ गया सबको? जी ईशा। उस्तादा मैं पढ़ूँ? हाँ जी, एक मिनट, आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सही है, इसी तरह से कीजिएगा। एक ग्रुप में मैंने कहा था कि जिसको पढ़ना है वो आपके पास ऑप्शन है रेज योर हैंड वाला, तो उसको प्लीज यूज कर लीजिए जैसे ईशा ने किया है, ताकि मुझे आसानी हो कि कौन पढ़ रहा है। जी ईशा, आप फर्स्ट 4 पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट 4 कोई और पढ़ लेगा, और 2 दफा करेंगे प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الآن أز नहीं, आ है, आ ज़करैनी। आप पहले मुझे बताइए कि आप أز कितने काउंट्स ले रही हैं, आप 3 काउंट्स पढ़ रही हैं, आप 4 काउंट्स पढ़ रही हैं, या 5 काउंट्स, आगे मैं चेक करूं। थ्री काउंट्स ठीक है, चलिए अब मैं देखती हूँ आपके कितने 3 काउंट्स लंबे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज़ाकरैन. दाल को आपने हैवी नहीं पढ़ना, इसको लाइट पढ़िए, आ ज़करैनी। आज़ाकरैनी. बेहतर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और लाइट करना है, लेकिन प्रैक्टिस करती रहिएगा, आगे पढ़िए। मुजारिन. दोहरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, मुदोरिन। मुजारिन. शाबाश। अतुहा जूनी. नून पर गुन्ना करने की कोशिश कीजिए। अतुहा जूनी. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया। नेक्स्ट 4 कौन पढ़ेगा? एक मिनट, किसने रिजाइन किया है? जी सना।
بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى، عاد الله عين क्यों पढ़ा बेटा आपने؟ حاد الله. حاد हा الله हा حاد الله ठीक हो गया. एक और दफा पढ़िए, मतलब एटलीस्ट 3 काउंट स्ट्रेच कीजिए. حاد الله जी ठीक हो गया. ولا جان. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. एक और दफा यही वर्ड्स पढ़ेंगे. कौन करेगा फर्स्ट 4? माहम आज अरूबा नहीं है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब के आप जो है वो नेम्स की लिस्ट बना दीजिए और फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा सेशन के बाद. ओके 18 सर, पार्टिसिपेंट्स हैं. जी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू? जी आप पढ़ लीजिए नौरीन. आउस बिल्लाह मिन शैतान रजीम. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सॉरी, ज़करैनी जी मुद्दारिन. नहीं, दौर के ऊपर तशदीद नहीं है. मुदोरिन. मुद्दारिन जी अत्तुहाजूनी. नून के ऊपर तशदीद भी है तो गुन्ना भी करना है. मैं पढ़ रही हूँ अतुहाजूनी. अत्तुहाजूनी. जी बेहतर है. नेक्स्ट 3 वर्ड्स कौन पढ़ेगा? सदा मैं पढ़ू? वरीशा फारिया पढ़िए. आप में से कौन पढ़ना चाह रहा है? ووجدك ضالا فهدى. نہیں, بہت پروپر نہیں ہوا آپ کا. مت دوبارہ پڑھیے. ووجدك ضالا فهدى. ٹھیک ہے, دو صحیح ادا نہیں ہو رہا. مت تو ٹھیک پڑھ لیا. ووجدك ضالا فهدى. ٹھیک ہے, دو ووجدك ٹھیک. ضالا فهدى. हाँ सही लेकिन और नहीं, और प्रैक्टिस की जरूरत है. कीजिएगा इंशाल्लाह, यू विल गेट देयर. चलिए आगे पढ़िए. है. हाद हाँ भी मखरज से नहीं निकला और दल्लोहा लफ्ज़े जलाला है भी पढ़ना था. मैं पढ़ रही हूँ हाद दल्लोहा. हाद वल्लाह हा हाँ मखरज से नहीं निकल रहा, हाँ निकालिएगा. हाँ ऐसे पढ़िए. हाद वल्लाह हा वैसे सही बोलती है हाँ सुनाने में, लेकिन जब उसमें पढ़ती है तो फिर नहीं निकल रहा, तो फिर इसका मतलब है कि हाँ की प्रैक्टिस करनी है. कोई बात नहीं. वरीशा या फारिया? पारे हूँ. ठीक है फारिया, कोई बात नहीं. सुनाए आप वरीशा को. ये यूल बी देयर. लास्ट वन पढ़ लें. वला जानू. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये हो गया मद्दे लाजिम. जल्दी से रिव्यू कर रहे हैं कि मद्दे असली के बाद क्या होना चाहिए. जो लेटर होगा उस लेटर के ऊपर या तो हमें तशदीद मिलेगा. अच्छा ये बात यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है वो तशदीद ही मिलता है, और जो सुकून वाले केसेस हैं वो कुरान पाक में बहुत कम. तो मद्दे लाजिम जहाँ पर होगा वो तशदीद पर ही हमारे पास जो है वो 90% एग्जाम्पल्स होती हैं तशदीद वाली. सुकून वाली 10% या उससे भी कम है कुरान पाक में. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है, तो या तो मद असली मद के बाद हमें क्या नजर आएगा लेटर के ऊपर
तशदीद या फिर सुकून, तो उस सूरत में वो मद्दे लाजिम है। और उसको पढ़ना कितना है, 3 to 5 काउंट्स, या 3 से 5 अलिफ के बराबर उसको पढ़ना है। ठीक है, अब अगला वाला देख रहे हैं। अगला क्या है, मद्दे मुत्तसिल है, और ये मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। मुत्तसिल का मतलब इंग्लिश में लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ऐसा करें, ये जो पीडीएफ है इसका प्रिंट आउट इसके लिए पॉसिबल है वो निकाल ले, ताकि छोटे छोटे जो मैं आपको चीजें समझाती हूँ वो आप उसके ऊपर ही लिख लें पेन से या पेंसिल से, ताकि लेटर आप जब उसको रिव्यू करें या इंशाल्लाह अल्लाह आपको तौफीक दे, आप किसी और को पढ़ाएं, तो फिर आपके लिए आसानी हो। ठीक है, मुत्तसिल। अब अगर कोई आपको सिर्फ ये बता दे कि मद्दे मुत्तसिल वाजिब, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंटिल यू नो द मीनिंग। जब मीनिंग समझ में आ जाता है वर्ड का, तो फिर उसको समझना आसान होता है। तो मुत्तसिल का मतलब होता है अटैच्ड, जो मद, द अटैच्ड मद, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं, द अटैच्ड मद। अब अटैच्ड का मतलब क्या है, नीचे जब हम आएंगे तो मैं समझाऊंगी, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये लोग कह रहे हैं, हुरूफ मद्दा के बाद उसी कलमे में अगर हमजा आ जाए तो 2 से 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे। तो क्योंकि वो उसी कलमे में है, कलमा मीन्स इन द सेम वर्ड। ठीक है, अब जैसे जा आ है, तो जा आ सारे इसको छोड़ दें, सिर्फ जा आ इज वन वर्ड। अब उस एक वर्ड के अंदर ही जो है वो कंडीशन पूरी हो रही है कि जीम के ऊपर मद है और मद के बाद क्या है, हमजा। हमने तो 3 चीजें कही थी कि लेटर के ऊपर तशदीद और सुकून हो, जो कि मद्दे लाजिम में हमने कवर कर दिया। जो दूसरी बात हमने कही थी वो क्या कहा था कि मद के बाद हमजा आएगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि मद के बाद हमजा आया। अब ये क्या है, मद्दे मुत्तसिल है, ये अटैच्ड मद है, इसको पढ़ना वाजिब है। क्यों है, बिकॉज इट इज इन द सेम वर्ड। जो कंडीशंस हैं दोनों कंडीशन के, मद का होना और मद के बाद हमजा का आना, वो मुत्तसिल है, अटैच्ड है। इसका मीनिंग क्या है, इट इज इन द सेम वर्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना वाजिब है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको 2 से 4 अलिफ के बराबर पढ़ना है, तो इसको हम 4 अलिफ से पढ़ते हैं और 4 से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हमारे और भी मद हैं, जो आज तो खैर हम 2 ही करेंगे, हमारे और भी मद हैं जिनमें हर मद की काउंट डिफरेंट होंगी, ज्यादातर 2 से 4 ही होते हैं और मद लाजिम जो है वो 3 से 5 होता है। सो सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए जो एक बेस्ट वे है वो ये है कि हर मद को जो है वो 4 अलिफ के बराबर पढ़ लिया जाए। हम हर अलिफ को 4 मद के बराबर पढ़ लेंगे तो एक हमारी रेसिटेशन में कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, और दूसरा ये कि हमें ये याद भी नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ पे थोड़ा ज्यादा लंबा करना है और कहाँ पे ज्यादा छोटा करना है। ठीक है, तो हमारा ये रूल होगा कि हम मद को 4 काउंट्स कर लेंगे, हर मद को 4 काउंट्स पढ़ेंगे, ताकि एक हमारी कंसिस्टेंसी आ जाए और जो कंफ्यूजन है उसको टोटली अवॉइड करते हैं हम। लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको 2 मत के बराबर भी पढ़ सकते हैं, 3 के बराबर भी और 4 के बराबर। इसको मैं 4 मत के बराबर पढ़ रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इदा जा नस्रुल्लाही, इदा समाउ अमील अमीलु सूआ वजी आ। ठीक है, अब आप लोग आई थिंक इतनी ही एग्जाम्पल्स हैं, इतनी एग्जाम्पल्स हैं, चलिए कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू? ठीक प्लीज रेज योर हैंड। हर मेरा भी आप पढ़िए, जिसको पढ़ना है प्लीज रेज योर हैंड, जैसे हरमी रबिया ने अस्सलाम। किया। वालेकुम अस्सलाम। और इनके बाद जो है तैबा पढ़ी। ईशा आपकी बारी हो गई, अभी किसी और को बारी देते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं आज, दोनों ग्रुप्स कंबाइंड हैं इसलिए हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। إذا جاء نصر الله शाबाश, إذا السماء ठीक है عمل मैडम,
عامل السوء وجيه. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने जी. तैबा पढ़िए. इज़ा जा अन्नसरुल्लाही जी. इज़ा समाउ आमिला आमिलुस सुआ वजीआ. जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक पढ़ा है. तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी को समझ में आ गया. और जो लोग इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ ज्वाइनिंग सो लेट, आई डोंट नो. माँ, हम ये भी नोट कीजिएगा कि कौन जो है वो लेट ज्वाइन कर रहा है. इफ यू हैव अ रीजन देन सेंड मी अ मैसेज कि इस वजह से मैं लेट आई हूँ. क्लास में वीक में सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, उसमें आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं करेंगे. आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल. अच्छा ठीक है, तो मध के जो है यहाँ पर जो है हम इतने ही करेंगे. 3 आज हमने कर लिए थे, लाइक मध्य असली तो हम पहले कवर कर चुके हैं. बाकी जो 2 मद है, मद्दे लाजिम और मद्दे वाजिब, ये हमने मद्दे मुत्तसिल वाजिब, ये हमने आज पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी मद हम बाद में करेंगे. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं. जी, पता नहीं कौन क्या कह रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही, सॉरी. ओके okay. ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था सना पढ़ने का तरीका. इसका हमें वेट करना पड़ेगा कि ये लोग हो जाए. ठीक है, हम आगे देख लेते हैं. जी अनम, अनम सादिक, आपका हैंड रेज्ड है. पूछिए जी, मुझे एक चीज पूछनी पूछिए. थी. ये मध्य फिरोही और मध्य लाजिम दोनों सेम है, या मध्य फिरोही सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर लाजिम और वाजिब दोनों आ जाते हैं, आपने ये लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया मुझे. है ना? मतलब आप लिख रही थी उस वक्त ना सेकेंडरी वाले हाँ ठीक है, पॉइंट्स. ओके ओके. ये वाला पॉइंट क्योंकि डिस्कस हो चुका है, आप और साइमा जो है वो रुक जाइएगा, एंड में मैं दोबारा आप लोगों को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूंगी. और भी जो लेट आया है वो रुक जाए, मैं अभी दोबारा नहीं करूंगी जो लोग लेट आए हैं. मैं एंड में आपको बता दूंगी और दोबारा से चार्ट भी दिखा दूंगी इंशाल्लाह. और उसके बाद जो है वो दोबारा बता दूंगी कि मध्य असली और फुरोई और फिर लाजिम और किस तरह से होगा. ये जो है ना, ओके. तो लास्ट टाइम हमने नमाज का क्या देखा था, सना पढ़ने का तरीका, सना के बाद क्या करते हैं. जो भी एक है ना आप में से, वो अनम्यूट कर ले अपने आप को, जिसको लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सूर्य टाइम. फातिहा. सूर्य जी, आउज बिल्ला और बिस्मिल्ला भी पढ़ते हैं, ठीक है. वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सूर्य फातिहा. आउज बिल्ला मिन शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं. ओके, सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद क्या करते हैं ना, आप ही बताती रहे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, वरना मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है पूछने में. कोई एक सूरत पढ़ करते हैं लेते फिर, हैं. हाँ, उसके बाद कोई सी भी एक सूरत पढ़ लेते हैं. वो चारों ठीक कुल में है. से कोई भी हो या कोई और हो. हाँ जी, तो इसका रूल क्या होता है कि उसके बाद सूरतुल फातिहा के बाद हमें कुछ एक सूरत की किरत करनी होती है. इसका रूल पता है किसी को, क्या जरूरी है एक पूरी सूरत तीन पढ़ना? जी आयात उस्ताद, मैं आती हूँ कंटिन्यूटी में. जी उस्तादा, शायद की 3 आयात आती हूँ किसी सूरत की. ओके ठीक है. और कौन बता रहा है? उस्तादा, जो पिछली जो सूरा होती है उससे नेक्स्ट सूरा हमें पढ़नी चाहिए, और अगर हम नहीं, स्किप भी अभी हम करें. पहली रकात की बात कर रहे हैं, पहली रकात की बात कर रहे हैं, ठीक है. दूसरी रकात की बात नहीं कर रहे. तो पहली रकात में क्या कोई सूरत को पूरा पढ़ना जरूरी है? कि अगर कोई सूरत तो बकरा पढ़ रहा है तो 286 सूरतें तो हमारी तो वो ही नहीं है, हमने तो याद ही नहीं की हुई है, तो हम तो नहीं पढ़ सकते. लाजमी लाजमी नहीं है कि पूरी सूरत पढ़े, लेकिन 3 आयात तरतीब से कम अज कम. ओके ठीक है. तो कोई छोटी सूरत आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो है वो रूल याद रख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता, ठीक है. अब इन्होंने कहा है, किसी एक बच्ची ने, किसने कहा था कि 3 आयतें पढ़ सकते हैं? ठीक कहा इन्होंने, किसने कहा था ये? सलीमा
हलीमा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम जो है वो तीन आयतें, अगर तीन छोटी आयतें हैं तो हम मिला सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि एक आयत बहुत लंबी होती है, जिसकी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आयतल कुर्सी। तो आयतल कुर्सी जितनी अगर एक लंबी आयत है तो वो सिर्फ एक आयत भी पढ़ी जा सकती है। रूल समझ में आ गया कि सूरतुल फातिहा के बाद जो किरात करनी है वो किरात के कितनी होगी, एक छोटी सूरत, ठीक है, लंबी भी कर सकते हैं, दिस इज द मिनिमम। ये अगर इतना नहीं किया तो फिर जो है वो नमाज नहीं होगी, वाजिब है इस तरह से करना। तो ठीक है, जो मिनिमम में है वो मैं बता रही हूँ कि या तो एक छोटी सूरत आप आखिरी सूरतों में से पढ़ लें, या कंटिन्यूटी के साथ तीन आयतें पढ़ लें जो छोटी आयतें। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी आयत है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आयतल कुर्सी लंबी आयत है, एक आयत भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। सूरतों की अच्छा, और आयतों की तकरार का एक सिलसिला होता है, ये लोग अक्सर लोगों को इस बारे में भी पता नहीं होता। तकरार का मतलब रेपिटेशन। एक आयत को क्या नमाज में रिपीट किया जा सकता है? तो अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप नफिल पढ़ रहे हैं, और नफिल से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि या एक फर्ज होती ऑब्लिगेटरी, ठीक है, वो एक हो गई। जब नफिल की बात होगी तो उसमें सुन्नतें, मौकदा, गैर मौकदा और नफिल सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, यानी सुन्नत, मौकदा, गैर मौकदा और नफिल, तो उसमें आप आयत की रेपिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामुल लेल के लिए रात में खड़े हुए हैं, और आपने कभी कभी ऐसा हुआ है कि पूरे सूरतुल बकरा पढ़ ली एक रकात में, और अगली रकात में सूरह आले इमरान पढ़ ली, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम में खड़े हुए हैं और आपने एक ही आयत की तकरार की है, लाइक ही रिपीटेड इट मेनी टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से सूरतुल माईदा की एक आखिरी आयत है, उसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात उसे पढ़ते रहे और रोते रहे, फिर रिपीट करते थे और फिर रोते थे और फिर पढ़ते थे और फिर रोते थे। तो इस तरह से है, तो नफिल नमाजों में रेपिटेशन की जा सके। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है वो फिर क्या करेंगे, ये पढ़ ली, कराट मिला ली सूरत अल फातिहा के साथ, उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे, और रुकू की जो तस्बीह है वो क्या है? सुबहान रब्बियल अजीम, ठीक है। अच्छा जी, सुबहान का मतलब तो आपको पता है, रब्बी का मतलब मेरा रब, अल अजीम बहुत अजमत वाला है, दिस इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुकू की तस्बीह जो है वो 3 दफा पढ़नी। 3 दफा पढ़ने की हम सबको आदत है, हम कितनी दफा पढ़ते हैं रुकू की तस्बीह? चैट बॉक्स में जल्दी से नंबर डालिए, हाउ मेनी टाइम्स आप? 5 और 7 ओके, सब आप थ्री अपनी डेली प्रैक्टिस बताइए कि आप कितनी दफा करते हैं, ठीक है? थ्री थ्री थ्री, तीन और साइमा कह रही है 5 एंड 7, एंड द रेस्ट ऑफ यू, हमजा इज सेइंग 3, 5 एंड 7, ठीक है। ज्यादातर लोगों का ये है, और मेरा अपना भी ये था, हमें पता नहीं होता, और हम समझते हैं कि सिर्फ 3 दफा ही पढ़ने हैं। तो 3 दफा पढ़ना तो जरूरी है, बट इससे ज्यादा भी पढ़ी जा सकती है। लाइक आप ताक अदद में, यानी ऑड नंबर्स में, आप 5 दफा पढ़ सकते हैं, आप 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप 9 दफा पढ़ सकते हैं, आप 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। अब नमाज में खुशू के लिए जो है वो, मुझे लगता है, ये मेरा अपना वो है कि अगर हम 3 दफा करते हैं ना, तो बचपन से हमें जैसे आदत है, और हम क्या कहते हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, इज लाइक कि हम एक चीज के यूज टू हो चुके हैं 3 दफा पढ़ने के, और उसके बाद जल्दी से अल्लाहु अकबर कहते हैं। लेकिन हम इस काउंट को अगर चेंज कर लें, आप आज प्रैक्टिस कीजिएगा कि 3 के बजाय आप कोशिश कीजिएगा कि 5 या 7 मरतबा कर लें, या अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, ज्यादा खुशू की जरूरत है, 7 और 11 मरतबा भी कर सकते हैं। तो आप काउंट्स को इंक्रीज करके देखिएगा, एंड यू विल फील कि आपका जो खुशू है, योर कनेक्शन विल इंक्रीज। क्योंकि इससे पहले हम 3 दफा सोचे समझे बगैर, एक आदत हो गई है हमें, हमें काउंट्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
लेकिन जब हम 5 मरतबा या 7 मरतबा करेंगे तो हमें काउंट्स कर लेने की जरूरत पड़ेगी उंगलियों पर, या किसी भी तरह से आपको होगा कि मैंने कितनी दफा पढ़ा। दैट कॉन्शियस एफर्ट विल इंक्रीज द खुशू इन योर सला। ये दानिस्ता तौर पर जो आप एक कोशिश करेंगे इससे नमाज में खुशू इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद जब रुकू से उठते हैं तो रुकू से उठते वक्त अल्लाहु अकबर कहेंगे, और जब आप स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट खड़े होकर फिर जिस हालत को कौमा कहते हैं उसमें ये पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। तो समी अल्लाहु, अल्लाह सुबहाना व ताला ने सुना, लिमन हमीदाहू जिसने उसकी तारीफ की, जिसने उसकी हम्द बयान की। उसके बाद क्या कह रहे हैं, रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब, लकल हम्द, तमाम तारीफें आप ही के लिए हैं। हम ये अल्फाज अदा कर रहे हैं खड़े खड़े, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज क्या मैंने देखी है, और इवन मेरी अपनी एक जमाने में इसी तरह प्रैक्टिस होती थी कि हम कौमे में बिल्कुल नहीं, मतलब कौमा ज्यादातर को पता नहीं है, तो रुकू से उठ के हम जो है वो खड़े नहीं होते प्रॉपर, ठीक है। तो रुकू से उठें, प्रॉपर खड़े हों, ये दुआ पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है वो सजदे में चले जाए, ठीक है। जी साइमा जी पूछिए। मैं ना रब्बाना लकल हम्द के बाद ये दुआ पढ़ती हूँ, रब्बाना लकल हम्द हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन। हाँ जी मैं इस पर आ रही थी, मैं इस पर आ रही थी। इसके बाद ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और इसका मैं रिवॉर्ड भी बता देती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, ये पहले वर्ड्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट जो सायमा कह रही हैं, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद तो इसके बाद जो वर्ड्स ऐड करने हैं वो 5 वर्ड्स हैं और इनका बहुत ज्यादा सवाब है, तो अगर कोई ऐड करना चाहे तो कर सकता है। हमदन रब्बना लकल हम के बाद 5 वर्ड्स हैं, ये हैं हमदन, एक वर्ड हो गया, कहाँ चले अच्छे चले। एनीवेज मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट में, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, व्हाइट बोर्ड पर जल्दी से हो जाता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है। हमदन 1 वर्ड, सेकंड वर्ड कसीरन, कसीरन ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू में हम बोलते हैं, तो ये बन, तो ये बन, मुबारकन, मुबारकन, सॉरी का है, मुबारकन और फी ही, ठीक है। तो ये अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 वर्ड्स हैं। और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे किसी को ये पढ़ते हुए सुना, नमाज जब खत्म की तो फरमाया कि कौन शख्स था जो ये कलमात कह रहा था, तो जो सहाबी थे वो डर गए, उनसे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि कौन था वो शख्स जो ये अल्फाज कह रहा था, तो फिर उन सहाबी ने हिम्मत की और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता है इसको पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा था कि एक साथ जो है वो 30 फरिश्ते जमीन की तरफ दौड़े कि वो इसके सवाब को लिखें। सो ह्यूज रिवॉर्ड, जस्ट 5 वर्ड्स, बट आप सोचें कि इसको जब सुना फरिश्तों ने तो उन्होंने कहा इसका रिवॉर्ड इतना ज्यादा है, एंड 30 एंजल्स दे रश्ड टू राइट द रिवॉर्ड।
ठीक है, उसके बाद जो है वो जी साइमा आपको क्या कहना है, कहिए। वो मैंने पूछा था कि खड़े होकर ही पढ़ने हाँ जी, चाहिए। खड़े खड़े, ये पूरा खड़े खड़े ही। और फिर जब आप सजदे में जा रहे हो तो उस वक्त फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे की हालत में जाइए, और कोशिश कीजिए कि जो है वो जो आप रुकू से उठ के खड़े होते हैं उसमें आप लाइक 10-15 सेकंड्स का टाइम दें। फौरन खड़े लोग अपनी कमर भी सीधी नहीं करते हैं और फौरन जो है वो सजदे में चले जाते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, ये पूरा जो है वो हमारा हो गया था खराब। ओके, फिर उसी तरह से सजदे में जो है ये तस्वीर है सुभान रब्बियल आला की। अब वही बात है कि यहाँ पर इन्होंने 3 मरतबा कहा है, लेकिन आप 3 मरतबा के बजाय 5 से 7 मरतबा कर लीजिए। अगेन दैट विल इंक्रीज द खुशू, आपका कनेक्शन या खुशू जो नमाज में है वो बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा कि इससे आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ग्रुप में ही आप शेयर कीजिएगा। ओके, सुभान का मतलब हमने लास्ट टाइम किया था, आप में से कोई एक जो है वो बता दे, मैं आगे बताती हूँ। रब्बी मेरा रब, अल आला जो है वो बहुत आला है, बुलंदो बरतर है। सुभान का मतलब किसे याद है, जल्दी से शॉर्ट बता दें। मैम सुबहान मतलब पाकी। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पाकी, मैंने क्या बताया था सुभान का मतलब। आपने एग्जांपल दी थी ईसाइयों की कि वो सिर्फ बाकी लाइक बयान नहीं करते थे अल्लाह ताला की, वो सिर्फ हम वाले पार्ट पे फोकस करते थे। जो कायनात अल्लाह ताला ने 6 दिन बनाई है, लेकिन उनका ये बिलीव था कि सेवन ठीक पे है, लव लेकिन बिलव इसका मतलब है कि आप खत्म। लोग सब भूल गए। फारिया वरीशा बताइए, सुभान का मतलब क्या है। सुभान का आपने बताया था कि ये तस्बीह से निकला है, यानी कि अल्लाह ताला को एक तो पाकी बयान करना और अल्लाह ताला को हर कमी को ताही से पाक करार देना। शाबाश, इनको याद है कि अल्लाह सुबहाना व तआला की जात जो है वो हर कमी कोताही, हर ऐब, हर वीकनेस से पाक है। पाक तो है, किस चीज से पाक है, कमी से, कोताही से, ऐब से, खामी से। ठीक है, तो इस चीज को बताया है तो उसको याद कीजिए, और कोशिश करें कि किसी और को बता दें, किसी और को बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास ये जो ये एक नॉर्मल और बहुत सारी किताबें होती हैं जिनमें इन डेप्थ दुआएं मिल रही होती हैं, वो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि हमने ज्यादातर इसी तरह से की भी होती है। अच्छा, एक और बात याद रख लीजिए, जैसे मैंने दुआए इस्तिफ्ताह या सना के ये कहा था कि बहुत सारी दीगर दुआएं हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने हमें बताई हैं, रिवायात हदीसों में मिलती हैं। इसी तरह से ये जो रुकू की तस्बीह है और जो सजदे की तस्बीह है वो सिर्फ यही नहीं है, सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला, इनके अलावा भी बहुत सारी तस्बीहात हैं जो हमें मिलती हैं। अल्लाह ताला तौफीक देगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, बट ऑब्वियसली अभी नहीं, अभी जो आप कर रहे हैं उसको ही परफेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरा जो है, एक और चीज है जो हमें नहीं मिलती हमारी किताबों में, वो क्या है कि जब हम एक सजदे से उठते हैं और बैठते हैं उस हालत को क्या कहते हैं, दोनों सजदों के दरमियान जो हम बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है। नहीं वक्फा कहते हैं। जी, वक्फा नहीं कहते, किसी को पता है। जवेरिया आपको पता है तो जलसा बताइए। जलसा जलसा, वेरी गुड, दैट्स राइट, जलसा किसने बताया। सादा तैयबा ठीक है, तैबा ने सही बताया कि उस हालत को जलसा कहते हैं। डजेंट मैटर आपको नाम नहीं आ रहा, दो सजदों के बीच में जो हम बैठते हैं हम कोई दुआ नहीं पढ़ते हैं। उसके लिए बहुत, उसके लिए भी एक से ज्यादा दुआएं मौजूद हैं, बट मैं एक छोटी सी दुआ बता रही हूँ, बस इतना ही रखेंगे आज, और उस दुआ को याद कर लीजिएगा और आज से कोशिश कीजिएगा क्या कि उस दुआ को पढ़ लेंगे। यही व्हाइट बोर्ड पर लिख देती हूँ, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है। और शेयर 1 मिनट। ओके मैं सुना दूँ वो। रब्बना जी, सुना दे, आपको आ रही है तो। लकल हमदी हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन। ओ सॉरी, जी जलसे की दुआ। मैंने रब्बी अग़फ़िर ली रब इग़फ़िरली, यस, रब इग़फ़िरली, दैट्स इट। वज़बूरनी हाँ, मुबारकन। ये 1 मिनट रुक जाइए, शॉर्ट वाली सिखा रहे हैं, इनको सिर्फ ये कह दें, जिन्होंने बिल्कुल भी याद नहीं किया वो उनके लिए जो है वो इतना ही काफी है, इतना ही काफी है ये वर्ड्स।
भी आते हैं, द शॉर्टेस्ट वन, रब्बिग फिर ली, रब्बी ए मेरे रब, इग फिर माफ कर दे, ली मुझे, ठीक है, रब्बिग फिर ली, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले तो हम कोई जलसे में दुआ नहीं पढ़ रहे थे, या दो सजदों के दरमियान बैठने में हम कोई दुआ नहीं पढ़ रहे थे। तो ये एक छोटी सी बहुत सिंपल दुआ है जो हम, और आप इसके माने देखेंगे कितने प्यारे माने हैं, हम अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं। तो वी शुड नॉट वेस्ट दैट मोमेंट, जो नमाज में हमारा कनेक्शन अल्लाह से बना हुआ है, उस वक्त मगफिरत मांगने उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने चाहें। तो एक और दफा बता रही हूँ, रब्बिग फिर ली, ठीक है। एक और दुआ है जो कौन बता रहा था, साइमा आप बता रही थी, तो पढ़ दें, वो थोड़ी लंबी दुआ है और इतनी जल्दी इनको याद नहीं होगी। ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. इसके डिफरेंट वर्जन आते हैं, रब्बि अग़फिर ली वरहमनी वजबुरनी वरफानी वआफिनी वरजुकनी। तो इसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, कभी 5 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं, इस तरह से हैं, तो वो आप याद कर सकते हैं। बट अगेन अभी मैं उसको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि इतना याद कर लें काफी है, रब्बि अग़फिर ली। तो नमाज का ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आज क्योंकि कंबाइंड सेशन से, इसलिए आप लोगों को मैं अलग अलग सबक नहीं सुनूंगी, इतना ही वो था। एक एक पॉइंट और नमाज से रिलेटेड हम कर लेते हैं, यहाँ से नहीं बट जनरली, अगर आपको कोई सवाल पूछना है इन रिलेटेड टू नमाज तो पूछ। सबक आप लोगों का नेक्स्ट ग्रुप वन की तो कल क्लास है, तो उनका वही है, 3 रुकू, आगे सबक नहीं दे रही हूँ, उसी की प्रैक्टिस कीजिए। मद का टॉपिक अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मद का टॉपिक खत्म करवाऊंगी, उसके बाद टेस्ट लूंगी। ये तो आप फिक्र मत कीजिएगा कि मैं टेस्ट कैसे लूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं सेशंस करवा चुकी हूँ और मुझे पता है कि जूम में कैसे टेस्ट लिया जाएगा। आप सिर्फ अपनी तैयारी रखिएगा, अभी से बता रही हूँ कि मद खत्म करवाने के बाद टेस्ट लूंगी, पूरा टेस्ट लूंगी, क्योंकि इसके बगैर आप लोग नहीं कर रहे हैं, आधे से मैम ज्यादा लोगों को पता उसी ही के नहीं है। जी 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 मैम, सुमायला का और फिर सवाल टेस्ट, है। मैम मैं अंबर इम्तियाज बात कर रही हूँ मैम। ओरल टेस्ट होगा या रिटन आप टेस्ट फिक्र मत करें, होगा आप फिक्र मत करें, आप सिर्फ तैयारी या करें, आपका काम तैयारी करना है, लेना ठीक है कैसे मैम। है वो मैं देखूंगी। सुमायला आपको क्या पूछना है? मैम मैंने ये पूछना था कि जब हम बैठते हैं सजदा करने के बाद, जिसको आप कह रहे हैं जलसा कहते हैं, तो जब उसमें मैं अल्लाहू अकबर पढ़ती थी तो वो पढ़ सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक हालत से दूसरी हालत में जब हम ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें अल्लाहू अकबर कहना जरूरी है, ठीक है। तो आप सजदे की हालत से उठकर बैठ रही हैं, यानी एक हालत से दूसरी हालत में जा रही हैं, ठीक है, या बॉडी पोजीशन को चेंज कर रही हैं। सो ईच टाइम यू चेंज द बॉडी पोजीशन, यू हैव टू से अल्लाहू अकबर। ये रूल समझ में आ गया कि अल्लाहू अकबर कब कहना है? जी एक मैम, हालत से दूसरी हालत में जब हम जाते हैं, या हमारी बॉडी पोजीशन जब चेंज हो रही है, तो उस वक्त हम अल्लाहू अकबर कहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट बस, हम लास्ट हम ये कर रहे हैं कि हमें जो है वो सतरे औरत के बारे में देखना है, कि औरत का सतर नमाज पढ़ने में क्या होना चाहिए, और हमसे लाइक 80% लोग जो है वो ये करते हैं कि नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें समझ नहीं है कि सतर कितना होना चाहिए। तो सतर की इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे सब स्कूल गए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, तो जब स्कूल जाते थे, और स्कूल जाते हुए अलग सपोज कि एक दिन आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना, तो आपको स्कूल वाले तो नहीं आने देंगे ना स्कूल में, ठीक है, कहेंगे कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो आप नहीं आ सकते, या लेट सपोज कि आपकी जो शलवार थी वो कहीं गुम गई, तो आपने व्हाइट शलवार नहीं पहनी, आप ग्रीन शलवार पहन के चले गए, तो क्या आपको स्कूल के अंदर आने की इजाजत मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। इसी तरह से जो सतर है वो दैट हैज एग्जैक्टली द सेम, नॉट एग्जैक्टली द सेम, उससे भी बहुत ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्कूल तो एक दुनियावी चीज है ना, इट्स अ वर्ल्डली इंस्टीट्यूट।
बट नमाज तो एक अल्लाह के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो बादशाहों का बादशाह है उसके दरबार में हम हाजिर हो रहे हैं। तो फिर हमें नमाज के यूनिफॉर्म की क्यों प्रॉपर समझ नहीं है, जो कि होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि नमाज में सिर्फ तीन चीजें आपकी नजर आनी चाहिए, आपका चेहरा, ठीक है, चेहरा खुला हो, आपके जो हाथ हैं, सिर्फ आपकी जो रिस्ट है, ठीक है, वो रिस्ट सिर्फ उससे वो हाथ सिर्फ खुले हुए होने चाहिए, और आपके जो जो पाँव है वो सिर्फ पाँव आपके खुले हुए होने चाहिए, ठीक है, जो टखने हैं आपके वो टखने जो है वो कवर्ड होने चाहिए। सबसे ज्यादा क्या गलती होती है वो मैं बताती हूँ, आइंदा कोशिश कीजिएगा कि इसका ख्याल करें, और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि अपनी बहनों को, अपनी कजिन्स को भी ये समझाएं। लड़कियां आजकल ट्राउजर्स पहनती हैं, ठीक है, आपने पढ़ते नमाज पढ़ते हुए तो आप कह देती हैं कि ठीक है हमने नीचे कर दिया ट्राउजर, तैबा माइक म्यूट कीजिए बेटा, आपने ट्राउजर को नीचे कर दिया, आपको लगा कि ठीक है मेरा टखना कवर्ड है, लेकिन जब आप रुकू में जाती हैं और अब जब आप बैठती हैं सजदे के लिए, तो क्या होता है, आपका टखना खुल जाता है। अगर कोई सतर का पार्ट है जो कि नमाज के दौरान खुल जाता है, और वो 3 दफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस मिकदार से ज्यादा देर के लिए खुला रह गया, आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है, आपको नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए क्या है, जिसको पता ही नहीं और थ्रू आउट नमाज उसके सतर का कोई पार्ट खुला हुआ है, तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि ये आपका टखना कवर्ड हो। दूसरी क्या गलती होती है कि फुल स्लीव्स पहनने की अक्सर बच्चियों को आदत नहीं होती, स्पेशली आप लोग जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की हैं, तो आप लोग हाफ स्लीव या 3/4 व्हाटएवर पहनते हैं जिस तरह का फैशन है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो हाथ होते हैं वो खुल जाते हैं, तो हाथ में आपके आपका सिर्फ जो रिस्ट से आगे का हिस्सा है वो खुला हो सकता है, जो आपका बाजू का हिस्सा है वो नहीं खुला होना चाहिए। तो लंबी स्लीव मत पहने अभी के लिए, तो मैं एक दिन में कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप लोग फुल स्लीव पहनना शुरू हो जाए, बट चादर इतनी लंबी लें कि उसमें आपके हाथ छुप जाए, ठीक है। और एक और बात क्या होती है, दुपट्टा, दुपट्टे ज्यादातर मार्केट में आप चले जाएं बड़े से बड़े ब्रांड में, तो आपको दुपट्टे क्या मिल रहे हैं, नेट के दुपट्टे मिल रहे हैं, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे मिल रहे हैं, जॉर्जेट के दुपट्टे मिल रहे हैं, और जॉर्जेट भी इस कदर पतला आजकल उन्होंने कर लिया है, 7,000 8,000 का भी जो सूट होगा वो उसका दुपट्टा इस काबिल ही नहीं है कि उससे नमाज पढ़ी जाए। तो ऐसे कपड़ों का कोई मुझे तो नहीं लगता कि फायदा है कि आपको नमाज पढ़नी है, फिर आप ढूंढें कि कोई नमाज की चादर, स्पेशली जब हम कहीं जा रहे हैं। तो ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, जॉर्जेट या कोई भी पतला दुपट्टा है उसी को सर पर लपेट लेती हैं, तो अगर आपका दुपट्टा सी थ्रू है आपकी नमाज नहीं हो रही। दुपट्टे को इतना मोटा होना चाहिए कि वो सी थ्रू नहीं हो और आपके बालों का कलर नजर नहीं आए, ठीक है। तो रेगुलर आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो एक दिन में किसी की चेंज नहीं होगी, ठीक है। अल्लाह के करीब जब हम आते हैं तो हमारा उठना बैठना खाना पीना पहनना ओढ़ना सब बदलता है, बट दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए एक तरफ पहुंचते हैं कि जब हमने पर्दा करना शुरू कर दिया, या हमारा जिंदगी का तरीका वो बदल गया, या हमारी सोच बदल गई, हमारी प्रायोरिटीज बदल गई। एक दिन में किसी का ऐसे नहीं हो सकता, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट अभी आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि आप जब नमाज पढ़ रही हैं तो आपको अब समझ में आ गई है कि आपको अपना सतर किस तरह कवर करना है। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि सतर को ढकें, वरना नमाज कबूल ही नहीं है, मतलब इनवैलिड नमाज। आप नमाज पढ़ रही हैं, आप एफर्ट पूरी कर रही हैं ना, वुजू भी कर रही हैं, वक्त भी निकाल रही हैं, नमाज भी पढ़ रही हैं, बट दैट प्रेयर इज इनवैलिड, तो फिर कोई नहीं चाहेगा ना कि जानबूझकर मैं इनवैलिड नमाज पढ़ूं। अगर कोई सवाल है तो फिर पूछ लीजिए, नहीं है तो सेशन एंड करते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मैंने एक बात पूछनी थी जी जी कि मैंने देखा है कि कुछ लोग जब नमाज पढ़ते हुए ना, जैसे हम शुरू में नियत के वक्त तकबीर जो आपने बताई थी तहरीमा, ना तहरीमा, उसके साथ वो करते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, तो वो बीच में भी पढ़ रहे होते हैं,
तो हम लोग तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो उसका क्या तरीका, वो करना फर्ज है हाँ जी, ऐसा उसको क्या? कहना, देखिए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बातें हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बातें मैं आपको बता दूंगी कि ये कुछ स्कॉलर्स यूं कहते हैं और कुछ स्कॉलर्स यूं कहते हैं, और उसको कहते हैं रफा यदैन, ठीक है। बीच में जो है वो स्पेशली अगर आप लोग हज और उमरा करने जाए वहां पर आप देखते हैं कि अक्सर ज्यादा जो दूसरे नेशंस की खवातीन होती हैं वो रफा यदैन करती हैं, इमाम काबा खुद भी रफा यदैन करते हैं। रफा यदैन हाथों को उठाना, यानी जितनी दफा भी वो अल्लाहू अकबर कहते हैं वो हाथों को उठाते हैं, सजदे से उठते बैठते हुए नहीं करते। इसका हुक्म ये है कि सही बुखारी में और अहादीस की दूसरी किताबों में जो है वो कुछ सहाबा ने, देखें अभी मैंने कहा ना कि डिफरेंट सहाबा ने डिफरेंट चीजों को वो किया, अहादीसें और दुआएं वगैरह बताई हैं, तो बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने के तरीके को बताया। तो जिसने, लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वक्त पर ऑब्जर्व किया और उस हिसाब से जो है वो बताया। तो कुछ हदीसों में कुछ सहाबा ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताया है उसमें रफा यदैन नहीं बताया, ठीक है। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जिन अहादीसों में जो अहनाफ हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं स्पेशली सऊदी अरब साइड वाले वो लोग उन अहादीस को फॉलो कर रहे हैं जिसमें रफा यदैन जो है वो साबित था, यानी कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और वाइल, नाम याद नहीं आ रहा, एक और सहाबी हैं जिनका, वाइल बिन हजर शायद उनका नाम था, जी वाइल बिन हजर, उनसे जो रिवायात है उनमें रफा यदैन मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह से जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों से भी जो है वो जो रिवायात हमारे पास आती हैं उनमें रफा यदैन नहीं है। तो रफा यदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज औकात किए हैं और बाज औकात नहीं किए हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो किस बात का आता है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस बात का आता है कि अफजलियत क्या है, ठीक है। अगर कोई रफा कह रहा है कि रफा यदैन सुन्नत ही नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस तरह हाथों को नहीं उठाया, इट मीन्स कि उसने कभी हदीस की किताबों को हाथ लगाया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि रफा यदैन तो सही बुखारी में भी मौजूद है, ठीक है, बाकी भी सही मुस्लिम में भी है, जामे तिर्मिजी में भी है और बाकी में भी होगी, मैंने नहीं पढ़ा, जहां तक पढ़ा है वहां का बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो किस बात में आ रहा है कि अफजल क्या है, करना अफजल है या नहीं करना अफजल है, तो यहाँ पर जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के उलमा है वो कहते हैं कि नहीं करना अफजल, ठीक है। और बाकी जो दूसरे मुल्कों के स्पेशली सऊदी अरब के उलमा है वो कहते हैं कि करना अफजल है, तो वो कर रहे हैं, जो कर रहा है वो भी सुन्नत पर अमल कर रहा है और जो नहीं कर रहा है वो भी सुन्नत पर अमल कर रहा है, बिकॉज देर वर डिफरेंट वेज इन विच द प्रॉफिट प्रेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। समझ आ गया वरिषा, आपको समझ आ गया? हाँ जी उस्ताद, तो समझ आ गया। बस ये बता दें कि वो कब कब किया जाता है, जब भी अल्लाह अकबर कहेंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर कहते हैं उस वक्त करते हैं, और फिर रुकू से उठते हुए जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उस वक्त करते जी ठीक है, जजाक। हैं, और तीसरी रकात के लिए भी जब उठते हैं तशहुद पढ़ के, तीसरी रकात के लिए, यानी चार रकात थी या मगरिब की तीन रकात थी, तो जब दूसरी रकात में बैठे तशहुद पढ़ा अत्तहियात पढ़ा, उसके बाद जब तीसरी रकात के लिए उठे और अल्लाहु अकबर कहा तो उस वक्त करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहिबुल्ला साहब को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अजरे अजीम दे, क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक हमें बहुत अच्छी तरह समझाया था, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन है, कोई वजू के बारे में कुछ पूछ रहा था तो प्लीज पूछ ले, क्या इकरा क्या कह रही है। वजू में भी अक्सर हम लोग 3 दफा करते हैं, तो उसके लिए भी 5 या 7 टाइम्स नहीं होते नहीं हैं। नहीं 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 रुकू वुजू करते हुए जो आप रेपिटेशन है वो सिर्फ 3 दफा, ये तो हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मिनिमम वुजू है उसमें क्या किया जाएगा कि आजा को एक मरतबा धोया जाएगा, जो उसके बाद ये है
हदीस शरीफ मुझे याद नहीं आ रही, इंशाल्लाह मैं देखकर फिर बताती हूँ। या उसको एक दफा कर सकते हैं या दो दफा कर सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो 3 दफा किया है, तो इसलिए हम जो है वो 3 दफा कर सकते हैं, 3 से ज्यादा मरतबा नहीं कर सकते। गलती से अगर किसी का काउंट मिस हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुल्ली की 3 के बजाय 4 हो गई, डजंट मैटर, बट जानबूझ कर कहना कि मैं 4 मरतबा करूँ या मैं 5 मरतबा करूँ, नहीं, ठीक है, 3 मरतबा वुजू में इज द लिमिट। साइमा आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने कहा कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर उलमा का ये है कि नहीं करना चाहिए ना, हाथ नहीं उठाने उस रफा तरफ, या दें जी ये जी रफा याद है, तो क्या ये इस वजह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर जो है वो एंड टाइम वाले अमान को देखा जाता है, तो क्या शायद वो उस टाइम ना करे हों, इसकी वजह ये है या कोई और वजह है? इसकी वजह जो हमारे उस्ताद साहब ने अब समझाई थी वो ये थी कि एक रीजन ये भी है कि पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा यदैन किया और बाद में आपने नहीं किया, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे उनके बारे में अगर आपको पता हो तो वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे उनको कबायरे सहाबा में से लिया जाता है, मतलब के द बिग कंपेनियंस उनको कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो, और जो हनफी मसलक है वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से ही हमारे पास चला आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जो कहा है उनकी रिवायात को प्रेफरेंस दी जाती है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो थे और इसके बाद जो वाइल बिन हजर थे, इनको जो है वो सगाए यानी छोटे कंपेनियन, उस वक्त जो है ये लोग बच्चे थे आप सल जब ये ईमान मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एंड डेज थे उस वक्त ये लोग ने बड़े नहीं थे, मेच्योर और ग्रोन अप्स नहीं थे। इन्होंने रफा यदैन की रवायात इसलिए बताई क्योंकि जो है वो एक तरीका था, अगर वो नहीं बताते अपनी रिवायात में तो फिर उम्मत तक ये बात नहीं पहुंचती, तो उन्होंने ये कहा कि दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत तक पहुंचना चाहिए, तो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में बताया तो उन्होंने फिर रफा यदैन को मेंशन किया, और उन्होंने अपने जमाने में ये देखा क्योंकि वो उस वक्त बच्चे थे ना, तो जब वो मेच्योर हुए 30-40 ईयर्स के बाद उन्होंने देखा कि लोग रफा यदैन को भूल ही चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इस सुन्नत को भी प्रैक्टिस में लाया जाए। ठीक है, तो ये रीजंस थे। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम हो गया है, 7:06 हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो सबक सुनूंगी, और अगर कोई अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, सुबहानकल्लाह। अच्छा सॉरी, मैं भूल गई कि मैंने कहा था अनम को और इनको, ठीक है रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।